तरफ जहां अमेरिका गाजा में युद्ध विराम की कवायद में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से साफ कर दिया है कि वो गाजा में स्थायी युद्ध विराम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। लेकिन इस सब के बीच हमास गाजा के भीतर इजरायली सेना के ऊपर पूरी ताकत से टूट पड़ा है। गाजा के अलग अलग हिस्सों में हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में अलकासिम ब्रिगेड्स ने जबालिया कैंप में इजरायली सेना पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहाँ पर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को एक घर के भीतर घेर लिया था और फिर वहाँ उन्हें एक IED ब्लास्ट में उड़ा दिया। अलकासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि उसने इस घर में पहले ही एक कमरे के भीतर IED बिछा दिया था और जैसे ही इजरायली सैनिक उस कमरे की तलाशी में घुसे वैसे ही कमरे में रखा ये बम फट गया जिसमें IDF के जवानों की मौत हुई और वो घायल भी हुए। इसके अलावा सबरा नेबरहुड में भी एक घर के भीतर इजरायली सैनिकों के ऊपर गोला बारूद बरसाया गया। इस हमले में एक सैनिक मारा गया है जबकि अन्य सैनिक घायल हुए हैं और इसी इलाके में अलकासिम ने इसराइल के D9 बुलडोजर पर टैंडम गोलों से हमला किया है। इस हमले के अलावा अल शाबका इलाके में भी इजरायली सैनिकों को एक बूबी ट्रैप धमाके में फंसाया गया। अलकासिम का कहना है कि इस हमले में IDF का एक जवान मारा गया है जबकि एक घायल हुआ है और इसी इलाके में IDF के D9 बुलडोजर पर अलकासिम के लड़ाकों ने अल यासीन 105 गोलों से हमला किया है। लेकिन जिस वक्त ये हमला हो रहा था उस वक्त नेटजरिम एक्सिस में भी अलकासिम के लड़ाके इजरायली सेना पर कहर बरसा रहे थे। अलकासिम का कहना है कि उसने इलाके में इजरायली सैनिकों पर राजू मिसाइल और गोले दागे हैं। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। हमास के इस वीडियो में दिख रहा है कि इजरायल के बीच लड़ाके पहले तो इन रॉकेट्स को तैयार करते हैं और फिर उसके बाद एकाएक ये रॉकेट्स फायर होने लगते हैं। वीडियो में आगे दिख रहा है कि हरियाली के बीच छिपकर हमास के कुछ लड़ाके लॉन्चर में रॉकेट भरकर फायर कर रहे हैं। इस हमले के बीच अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी अल नसर सलाह ब्रिगेड्स के साथ मिलकर जबालिया कैंप में एक हमला किया है। अल-कुद्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में कुछ लड़ाके एक विस्फोटक को टाइमर के साथ सेट कर रहे हैं और इसके बाद ये लड़ाके इन्हें फायर कर देते हैं।